कोर्ट में बड़ा हादसा हुआ है। परिसर में लगे ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ है। हादसे में 3 वकील घायल हो गए हैं। घायल वकीलों का इलाज जारी है। 3 घायलों को PMCH भेजा गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पटना सिविल कोर्ट में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उसमें ब्लास्ट हो गया, जिससे 3 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। घायलों को PMCH भेजा गया इलाज के लिए। 3 वकीलों के घायल होने की खबर है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, आखिर कैसे हादसा हुआ है? रजनीश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो बताएं आखिर यह हादसा हुआ कैसे? अब बिल्कुल देखिए, हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक डेड बॉडी जो है यहाँ पे पुलिस की गाड़ी में है, जो अधिवक्ता है। और इसके अलावा क्या कुछ स्थिति है, हम स्थानीय तमाम सारे जो वकील हैं उनके हमारे साथ है, पूछ लेते हैं। नोटरी पब्लिक देवेंद्र प्रसाद है, जो उनका स्पॉट डेथ हो गया है ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण। ब्लास्ट किया, हम लोग यहीं पे थे और उसके बाद हम लोग अपने स्तर से जितना हो सका, जहाँ पे पानी डालते गए तो हल्का फुल्का बचा। उसमें से 3 लोग जो अभी PMCH में गए हैं, 3 लोग यहाँ पे जो फर्स्ट एड वाला है वहाँ है, और एक जो अभी स्पॉट डेथ हुआ है उनका देवेंद्र प्रसाद नाम है। और बाकी एक तो लगता है कि 80% जल चुके हैं जो PMCH गए हैं। 90% 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 1 की मौत हो गई है। किन की मौत हो गई? देवेंद्र प्रसाद नोटी पब्लिक का मौत हुआ है। एक्चुअली वो चल जब ब्लास्ट हुआ ना, तो उस जगह बहुत सारे वकील लोग थे, ऊपर साया आग का गोला बन करके, और लगभग वहाँ जितने भी बैठे हुए थे सब इंजर्ड हुए, और 10-15 आदमी वहाँ तो थे। देखिए प्रत्यक्षदर्शी थे यहाँ पे, क्या पहले से भी ऐसा कुछ था? पहले ऐसा नहीं था। जहाँ आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जस्ट मैं यहीं खड़ा था और यहीं बगल में आपका टावर है, देखिए ऊपर से वो ट्रांसफार्मर फट गया और उसका जो पेट्रोल डीजल जो होता है ऊपर तेजी से आग लग के गिरा। लगा कि आग का, लगता है कि कोई आग का गोला गिरा और काफी दूरी के रेडिएशन में आग फैल गया, यहाँ तक इस गेट से बाहर तक आ गया। मेरा अपना फुल पैड झुलसते हुए बचा और मैं तेजी से भागा और उस बार भगदड़ मच गई, कोई समझा नहीं। पहले लगा कि कहीं कोई ब्लास्ट तो नहीं हो गया, लेकिन हम लोगों ने देखा कि आग का गोला है, फटा है तो आपका ट्रांसफार्मर फटा है। हम लोग पानी निकाले, व्यवस्था किए उधर से, जुबली से पानी निकाल के हम लोग आग पे पानी जो झूलते हुए। अब यहाँ पे क्या समस्या है? कैमरे से तस्वीर दिखा दे। ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग लिखते हुए थक गए, पटना उच्च न्यायाधीश महोदय उद्धारण करने के लिए रविशंकर चाहे थे, कोई व्यवस्था नहीं है। मुआवजे की बात कही जा रही है। कुछ तस्वीर हम दिखा दे कि यहाँ पे किस तरीके से तस्वीर है। और यहाँ पे वकील जो है रोड पे बैठने को मजबूर है, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पे आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। जो गाड़ी ले जा रहे थे यहाँ पे उसको रोक दिया गया है और तमाम सारे लोग यहाँ पे अफरा तफरी की स्थिति है। प्रशासन स्थिति को टैकल करने को लेकर लगी हुई है, लेकिन वकील जो है वो बॉडी को नहीं ले जाने देना चाह रहे हैं। क्यों नहीं ले जाने देना चाह रहे हैं? अरे प्रश्न है कि यह अधिवक्ता जो मृतक हो गए, दिवंगत हो गए, इनको एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं करा, पुलिस गाड़ी पर सामान्य तरीका से लाद के ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए ये कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं है और पुलिस की गाड़ी पे डेड बॉडी ले जाई जा रही है। वकीलों के लिए वकीलों के कारण, जिला अधिकारी और जिला जज के अव्यवस्था के कारण आज वकील रोड पर बैठा हुआ है के भी दिया और ये लोगों ने हम लोगों ने जिला जज को हम लोगों ने लिख के भी दिया कि अधिवक्ताओं के बैठने के लिए एक सम्मानजनक व्यवस्था कीजिए। अधिवक्ताओं के लिए भी और साथ में जो आते हैं लोग, उन लोगों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। समस्या यहाँ पे बरकरार है और लोगों ने प्रशासन की गाड़ी को रोक दिया है और रोक कर जोरदार तरीके से विरोध जता रहे हैं।
क्या कुछ मांग है वो हम जान लेते हैं। अब सीधी तस्वीर यहाँ पे हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, क्या मांग क्या रख रहे हैं? ऋषिकेश नारायण सिन्हा, क्यों रोक रखे हैं? हमने गाड़ी नहीं रोका है, हमने गाड़ी नहीं रोका है। ये पूरे अधिवक्ता समाज की बात है। हमारे साथ ही गुजर गए हैं, हमारे बीच के भाई देवेंद्र भाई को झुलस गए हैं बिजली में, इस अव्यवस्था के खिलाफ। और डीएमएसपी को यहाँ आना होगा और मृतक को मुआवजा देने की मांग की, मुआवजा की मांग है। और कुछ यहाँ आज तक से वकीलों का बैठने का समुचित व्यवस्था नहीं किया गया, हमेशा हम लोग डीएम से मांग करते रह गए। आप देखिए वकील लोग किस तरह से यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए जब तक से मुआवजा नहीं मिलेगा नहीं। अरे अरे आप लोग चुप रहिए, आप लोग 2 मिनट चुप रहिए। सारी दुर्व्यवस्था के कारण सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट का कारण है, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के कारण हत्या हुई है और मरने का भी कारण नहीं है। जब तक सेक्रेटरी प्रेसिडेंट मुदाले और डिस्ट्रिक्ट जज मुदाले नहीं बनेंगे हम लोग नहीं हटेंगे। यहाँ से क्या मांग रहे हैं? मांग है कि डीएम यहाँ आवे और उन लोगों परिवार को वकीलों के यहाँ नई बिल्डिंग बनने की जो बात, जहाँ तक बात है वकीलों की समुचित बैठने की व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी यहाँ के सेक्रेटरी ने क्लीन चिट दिया कि हम वकीलों को बैठने की व्यवस्था कर दिए हैं। आज इसी की स्थिति है कि जो आज इसी का कारण है कि हमारा अधिवक्ता गुजर गए और हाथ होने की संभावना। सुनिए, एक ट्रांसफार्मर का देख रेख का काम कोर्ट प्रशासन का है, कोर्ट प्रशासन रजिस्ट्रार इसके लिए नियुक्त होता है, जनरल सेक्रेटरी हमारा व्यवस्थापक होता है। एक ट्रांसफार्मर जीवन और मौत के बीच में हम लोग यहाँ झूल रहे हैं, हम लोग बैठ रहे हैं, इसलिए हम लोग को कुछ व्यवस्था किया जाए, उचित व्यवस्था किया जाए। पहले कंपनसेशन दिया जाए, पहले कंपनसेशन के लिए की मांग है। हम लोग 20 लाख रुपया की मांग करते हैं, इनको दिया जाए। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। डीएम साहब को बुलाया जाए, उसके बाद बॉडी को जाएगा। मतलब डीएम साहब को बुलाया जाए, देखा जाए अधिवक्ता की क्या बदतर स्थिति है। लिफ्ट में भी संभावना है कि लिफ्ट भी एक्सीडेंट करेगा। लिफ्ट जो है नया बिल्डिंग जो बना है उसमें लिफ्ट कभी भी टूट सकती है। हम लोग बराबर आवाज दे रहे हैं लेकिन लिफ्ट में भी हादसा हो सकती है, जल्द उसका रस्सी का। मैडम क्या स्थिति है यहाँ, बोलिए। स्थिति तो जर्जर है लेकिन उसको बनाया जाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अब हादसा हो रहा है उसमें। हम लोग वकील साहब जो हैं 20 लाख रुपए की मुआवजा मांग करते हैं कि हम लोग डीएम साहब को यहाँ बुलावे और ताकि वो यहाँ आए और परिस्थिति को देखें उनके साथ क्या। तो देखिए यहाँ पे तमाम सारे जो वकील हैं अधिवक्ता यहाँ पे वो जोरदार तरीके से विरोध जता रहे हैं। प्रशासन की गाड़ी को रोक दिया गया है। एक जो यहाँ पे दुर्घटना के शिकार हुए हैं अधिवक्ता, उनकी बॉडी भी यहाँ पे है और इसके अलावा 6 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं। कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ का कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई व्यवस्थापक है। एडमिनिस्ट्रेटर जो है यहाँ का, जो डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटर रजिस्ट्रार जो है वो सिर्फ कुर्सी तोड़ता है, कोई ध्यान नहीं देता है। घटना होने के देर से एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस आने के कमी से देवेंद्र बाबू की मौत हो गई। एम्बुलेंस समय पर आता तो शायद बच सकते थे, फायर ब्रिगेड अगर समय पर आता तो शायद इतना बड़ा घटना को टाला जा सकता था। 101 को भी बताइए कि ये इतना प्राइम इलाका है, यहाँ पे ये स्थिति है, यहाँ पर स्थिति बनाई गई है, ये प्राइम इलाका है। यहाँ पर हमारा डीबीए का सेक्रेटरी, हमारा प्रेसिडेंट कोई एक्शन नहीं लेता है। वकीलों के बैठने की कोई है उसके पीछे जो भी संबंधित दोषी हो, आज वकील बैठने के लिए नाली पर क्यों है? आप बगल में देखिए कलेक्ट्रेट में विकास भवन का बेसमेंट दिया गया है, जिला सत्र न्यायाधीश को बेसमेंट में बैठने की व्यवस्था के लिए कहा गया है। आज वो व्यवस्था होती थी यह घटना टल सकती थी। अभी तक कौन हुई वहाँ? सिर्फ बगल में मेरा कुर्सी है, हमारा कुर्सी भी जल रहा, हमारा कुर्सी भी जल रहा, टेबल भी जल रहा, हमारे साथ भी ये हादसा हो सकता था, हमारे साथ भी ये हादसा हो सकता था। जरा सा बोलने दीजिए, आपको बता नया बिल्डिंग में जो बना है उसमें लिफ्ट का बराबर हम लोग को रुक रुक जाता है, कभी भी वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। इसके बारे में जानकारी रजिस्ट्रार को भी दिया गया है, यहाँ के जनरल सेक्रेटरी को भी है, सारे लोगों को है, लेकिन फिर भी हादसे का इंतजार किया जा रहा है।
हादसे का इंतजार किया जा रहा है ऐसा आरोप है। तमाम सारे अधिवक्ता जो है वो आक्रोशित है और एक तस्वीर हम दिखा दे यहाँ पे कि किस तरीके से तमाम सारे लोग इकट्ठा होकर अपनी बातों को रख रहे हैं। जब तक वाहन को नहीं जाने दिया जाएगा, जब तक कि मुआवजे की बात और साथ ही साथ जो प्रशासनिक वरीय पदाधिकारी यहाँ पर ना आए, ऐसी बातें यहाँ पे इनके द्वारा रखी जा रही है। एक जो दुर्घटना के शिकार हुए हैं, जो मृतक जो अधिवक्ता हैं, उनकी बॉडी यहां पे गाड़ी में है। इनका ये भी कहना है कि एम्बुलेंस तक जो है समय से ना ही फायर फाइटर की गाड़ी जो है वो समय से आ पाई। अगर इस तरह की बातें होती तो लिहाजा कुछ और स्थिति होती और साथ ही साथ यहाँ पे इतनी त्रासद स्थिति नहीं होती। तो एक विभत्स तस्वीर है अंदर गाड़ी के, इसलिए हम अपने दर्शकों को तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें अंदर में एक बॉडी है, डेड बॉडी है, जो कि अधिवक्ता यहाँ पे आते थे नोटरी उनकी और साथ ही साथ अपने जो साथी हताहत हुए हैं इसको लेकर तमाम सारे जो अधिवक्ता हैं वो आक्रोशित है और इसके अलावा मांग रख रहे हैं, अपनी ओर से लापरवाही की बातें कह रहे हैं। इसके अलावा प्राइम लोकेशन है पटना का ये सिविल कोर्ट, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हिल हवाली हुई है इनके अनुसार इसको लेकर 50 लाख की मुआवजा दे, हत्या के लिए अधिवक्ता की हत्या के लिए 50 लाख मुआवजा दे, पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। और यहाँ बैठे और जिला जज और सारे प्रशासनिक पदाधिकारी ने यह कहकर खाली कराया कि आपको बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसने बैठने की व्यवस्था नहीं किया और पूरा बिल्डिंग तोड़वा दिया। आज ऐसी स्थिति है कि जो जहाँ तहाँ बैठ रहे हैं, कहीं तार है, कहीं गड्ढा है और इस स्थिति में ये जो कैजुअल्टी हुआ है, आज 5 लोग है सो बुरी तरह घायल हैं, एक आदमी मर गया है और 2 आदमी है सो दयनीय स्थिति में है। इस तरह के अभी तत्काल सरकार इस पर है सो बैठने की व्यवस्था करे और मृतकों को मुआवजा देने की बात करे और नहीं तो यहाँ न्यायालय ठप रहेगा। मुआवजा दे बिहार से काम ठप रहेगा। ये हुआ है समूचा सिक्योरिटी चोर रहने के कारण उस समूचा बेच कर खा गया, हम लोग को कुछ नहीं है। कई सारी बातें हैं यहाँ पे और जो क्या कुछ समस्या हो गई, वो सबसे बड़ा समस्या था यहाँ कि बैठने की व्यवस्था नहीं किया, ये लोग सबको रोड पर छोड़ दिया, सबको रोड पर छोड़ दिया और बाकी लोगों से पैसा ले लेके चैम्बर दिया गया, दुकान दिया गया। इस कारण से बेचारे कोई धूप में बैठ रहे हैं, कोई नाली में बैठ रहे हैं, कोई वहाँ बैठ रहे हैं। मोगा डिस्ट्रिक्ट जज भी चुपचाप अभी घुसे हुए हैं, आने का हिम्मत नहीं कर रहे हैं। संसदीय भाषा नहीं, नहीं जो भी है सही 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 भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर ये व्यवस्था किया होता तो आज इस तरह की दुर्घटना नहीं होती और अभी और होगा। इधर भी व्यवस्था किया गया है अपने ये जो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ ऑलरेडी जगह है जुबली है, लेकिन जुबली दादागिरी किए हुए लोग घुसने नहीं देता है, जुबली में घुसने नहीं देता है। यहाँ पर जो है वो लोग अतिक्रमण करके किए हुए है। अब वहाँ का एक मिनट, वहाँ पे बार काउंसलर भी है, वहाँ भी बार काउंसलर भी है बैठता है, लेकिन अधिवक्ताओं को बैठने के लिए लेकिन ये किसी वकील को बैठने के लिए अपने भाई बंधु को अलाउ नहीं करता है और उसके बाद वकील जहाँ तहाँ बैठ रहे हैं। अरे बिल्डिंग बना हुआ है, परसों इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। ये बताइए कि क्या ट्रांसफार्मर का पहले से कुछ समस्या था? ट्रांसफार्मर हमेशा यहाँ पर दोषपूर्ण है, हमेशा लीकेज वीकेज होता था। बिजली विभाग भी जो है उसको नहीं देखता, लेकिन बात है कि अधिवक्ता अपने परेशानी के चलते कहीं भी बैठते थे। तो देखिए अब यहाँ पे तस्वीर दिखा दे कि लोग नीचे बैठकर अब विरोध कर रहे हैं और तमाम सारे अधिवक्ताओं ने गाड़ी के आगे बैठकर और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और अपनी बातों को रख रहे हैं और उनके जो साथी यहाँ पे इस पूरे मामले में घायल हुए हैं, साथ ही साथ एक की मौत हुई है, इसको लेकर आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। और तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे अब गाड़ी जिससे डेड बॉडी ले जाई जा रही थी प्रशासन के द्वारा रोक कर उसके आगे बैठ गए हैं। मुआवजे की बात समेत तमाम प्रशासनिक कमियां खामियां को गिनाते हुए अपनी बातों को रख रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पे पटना सिविल कोर्ट में जो घटना हुई है, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ और इसके बाद तमाम सारे जो अधिवक्ता हैं वो आक्रोशित हैं। बैठने से लेकर तमाम सारी समस्या और बिल्डिंग्स का जो निर्माण हो रहा है इसमें कमियां खामियां और तमाम बातों को वो गिना रहे हैं, साथ ही साथ कई अंदरूनी जो राजनीति है उसको भी वो रख रहे हैं। और इस तरीके से तमाम जो यहाँ पे
देखिए जज के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे जो अधिवक्ता है वो पुरजोर तरीके से विरोध जताकर अपनी बातों को रख रहे हैं। प्रशासन के लोग यहाँ पे हैं जरूर और बड़ी संख्या में फोर्स भी यहाँ पे है और लेकिन ये किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं और यहाँ पे हाथ धरे हैं और इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जो स्थिति है उसको कैसे टकल करें, चूँकि जो स्थिति है यहाँ पे काफ़ी आक्रोश में तमाम सारे जो यहाँ पे अधिवक्ता हैं उनकी